हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है रामनवमी, तो गाइज आप लोगों को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज अभी फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 9 और आज गाइज हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके और गाइज पूजा के लिए जो सामान लेके आना था वो सारी चीज़ें मैं लेके आके फिर स्नान वगैरह करके मस्त अभी रेडी हो गया हूँ। और अभी गाइज मैं, भैया और आदि भाभी सब लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए भगवान श्री राम का। और वैसे गाइज इस साल तो रामनवमी और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे राम भगवान का जो मूर्ति है वो अयोध्या में विराजमान हो चुका है, तो बहुत दिल से आनंद है अभी। तो फिलहाल हम लोगों ने अपने मंदिर में भी श्री राम भगवान का छोटी सी प्रतिमा एक वहाँ पर विराजमान किया है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं मैं, भैया, भाभी आदि सब लोग भगवान श्री राम का पूजा करने के लिए। तो चलिए गाइज वीडियो बने रही, आप लोग को दिखाते हैं और पूजा करते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये रहा हमारा मंदिर, यहाँ पे माता रानी का मूर्ति सामने है और ठीक सामने है भगवान श्री राम, फुल फैमिली का फोटो मूर्ति, क्या भैया फुल फैमिली। तो अभी चलिए पूजा करते हैं, आज के पुजारी हैं भैया और हम लोग इनके सहायक, आइए आदि। तो गाइज देखिए अब हम लोग सब लोग आ गए हैं यहाँ आरती करने के लिए। अब तो चलिए भगवान श्री राम और माता रानी का आरती करते हैं। अभी भाभी बस आने ही वाले हैं, भाभी कहीं वेट हो रहा है। तुमको निस दिन सियावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी कलक समान कलेवर रातांबर त्वमेवा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव गर्भोदरं कृणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा सङ्गमं सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। तो गाइज फिलहाल अभी हम लोगों का पूजा हो चुका है डन। और गाइज ऐसे चैत का दशहरा है ये, तो इसमें कि भाभी मतलब खाना बना के नौ कन्याओं को बैठा के नहीं खिलाती इसमें, लेकिन इस बार ही हम लोग क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें लेके आए हैं। अभी जा रहे गाइज बाहर, हम लोग बाहर ही नौ कन्याओं को मतलब खाने के लिए दे देंगे। तो उसमें गाइज हम लोगों ने लिया है अभी केले और कुछ बिस्किट्स वगैरह है। तो चलिए अभी मैं और आदि जा रहे हैं, भाभी देखिए वहाँ पूजा कर रहे हैं अभी, तो मैं और आदि जाके और ये अभी नौ कन्याओं को बाहर देखते हैं। पर ढूंढना पड़ेगा इस कहाँ पे हैं वो लोग, उनको बुलाना पड़ेगा फिर उन लोगों को पकड़ाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं आदि और मैं और बांट के आते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी हम लोगों ने जो लिया है ये रहा वो सारे बनानास और ये बिस्किट्स, तो चलिए इसको लेके चलते हैं। चलिए आदि दे रहे अभी, हाँ अंकल मुझे जल्दी दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। और को बुला लो, कोई है आप ये लीजिए, और कोई तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और वहाँ पे गाइस इतना भयानक भीड़ लगी थी कि सबको जैसे जैसे देख के वहाँ से निकला, गजब का भीड़ हो गया था भयानक। तो स्कूटी गिराने वाले थे सब लोग चढ़ चढ़ के। तो चलिए फिलहाल सबको बढ़िया से बांट चिट के आ चुके हैं घर। तो अभी चलिए भैया को बोलते हैं प्रसाद देने के लिए, भैया ही प्रसाद उतारेंगे अभी, तो चलिए प्रसाद खाते हैं। जय श्री राम, जय माता रानी। भाभी आपको ही प्रणाम करेंगे अभी प्रसाद खा के, ठीक। तो पहले चलिए गाइस प्रसाद खा लेते हैं, आप खा लिए प्रसाद। तो गाइस इधर देखिए भैया किचन में कुछ लग गए हैं बनाने में, तो ये क्या बना रहे भैया? ये बेम्बिनो बना रहे, बेम्बिनो सभी वाला बेम्बिनो। पूजा हो रहा ना अगल बगल में, सबका धुआं अपने भी घर में आ गया, सही ना, पूजा का धुआं आ रहा है, मस्त शुद्ध शुद्ध वातावरण हो जाएगा। तो गाइस देखिए भैया बेम्बिनो का तैयारी कर रहे हैं, तो बनने देते हैं। तो गाइज हमारा सुबह का नाश्ता भी आ चुका है, तो चलिए दिखाते गाइज आज नाश्ते में क्या क्या बना है और फटाफट से फिर खाते हैं। तो गाइज ये देखिए आज बना है बेम्बिनो सुबह के ब्रेकफास्ट में और साथ में चाय
थोड़ा सा मिक्सचर और ये भैया के हाथों कटा हुआ टेस्टी टेस्टी सा कीवी। मतलब भैया कुछ भी काट देते, कुछ भी किसी के साथ कुछ भी खा लीजिए हाँ भाभी। तो चलिए फटाफट से सुबह खा ली। हाँ ये बस हाँ आराम से साला मेहमानों के लिए इतना कोई नहीं सजाता होगा जितना हम लोग के लिए सजा हुआ है अभी हाँ भाभी। आदि का लड़की देखने वाला आ रहा है ना आज, इसीलिए ठीक है छोड़। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से पहले चाय बिस्किट खाते हैं। एक बार बता दे रहे सब एक एक बिस्किट खाएगा, कोई दो दो बिस्किट नहीं खाएगा। क्यों क्यों बता दिया सही? आप ही खाते हैं दो दो बिस्किट, हम लोग तो एक ही इंसान खाते हैं। देखिए ये सब प्रेत है, देख लीजिए एक वो आप और आपकी बहन देख लीजिए वहाँ, देखिए देखिए आपको बिस्किट आप कद्दू और फल देखिए वहाँ खा ली जाओ। चलिए गाइस खाएंगे तो ये लोग भूखड़ लोग कुछ बचने नहीं देंगे ये लोग। तो गाइस सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग लग गए थे भाभी का हेल्प कराने में किचन में। तो भाभी में ढेर सारा खाना बना रही थी, साग और पता नहीं क्या क्या, तो उसमें हेल्प करा के फिर थोड़ी देर के लिए मैं सोने आ गया था। लेकिन बट गाइस अभी दोपहर के बज चुके हैं डेढ़ और हमारा टाइम हो चुका है दोपहर के लंच का। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या बना है लंच में और फिर लंच करते हैं। तो ये देखिए आज बना है लंच में हमारे ये करेले का भुजिया, ये लाल साग, लाल साग को और क्या बोलते हैं गंधारी हाँ भाभी, पता नहीं क्या गांधारी बोलते क्या पता है, और आलू का चोखा, मूली एंड राइस, और साथ में दाल भी है गाइस। ये देखिए यहाँ पे दाल, इसलिए फटाफट से दाल और डाल के फिर अभी दोपहर का लंच फटाफट से करते हैं। इधर भाभी भैया आदि सब लोग अपना कर रहे हैं लंच। गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम लोग का प्लान था गाइज अभी इंडिया गेट जाने का, लेकिन सिर्फ इस इंसान के चक्कर हम लोग इंडिया गेट नहीं जा पाए। हम भी थोड़ी बन गए ढीला, चाय बना दिए क्या चढ़ाने आदि के बाद चाय बड़ी तगड़ा बनाते लेकिन सतरंग की डोली और इस सलाद खाने के इस गाइस दिखाते हैं लाल पीला हरा, इसमें बस एक बैगन डाल देते हैं ना, तो बैगन होगा डाल दीजिए डाल वो भी डाल दीजिए। नहीं बैगन उजला है और कुछ डालना पड़ेगा क्या? बैगन तो नहीं है, मूली डालना पड़ेगा। तो घूमने नहीं जाना आदि, इंडिया गेट का तो झांसा देगा, आप नहीं गए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान गाइज इतना सोए हैं आज, इतना दबा के सोए हैं क्या बताएं। दबा के तो हम नहीं है सोए, नॉर्मली सोए थे। हाँ यहाँ पे है कौन गाइज अभी शाम को हम लोग तैयार तो हुए हैं, लेकिन गाइज अभी तैयार हुए हम लोग बस नीचे जाने के लिए, इंडिया गेट का प्लान कर दिए हैं लोग कैंसल, क्योंकि गाइज पूरे दिन सो के बिताए हैं और शाम को जब घूमने आने का टाइम हुआ तो बैठ के बातचीत करने का चक्कर में टाइम पता ही नहीं चला कब बीत गया। और अभी देखिए टाइम हो चुका है 7:35, तो अभी फिलहाल हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी नीचे पता नहीं मतलब कहीं भी, मतलब देखिए गाइस कहाँ जाते हैं आप, तो यही इंदिरापुरम के ही अंदर कहीं घूमेंगे गाजियाबाद के, कहीं बाहर तो जाना है नहीं। तो चलिए फिलहाल फटाफट सबको बोलते हैं तैयार होने के लिए और निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, वीडियो बने रहिए। हम लोग आ चुके हैं घूमते सिप्रा मॉल, जहाँ हम लोग का हर संडे का ठिकाना है, कहीं से घूम घाम सिप्रा मॉल पहुँच जाते हैं। और साथ में देखिए भाभी पकड़ा दिए पानी का बोतल, बिल्कुल चिल ठंडा है, हाथ भी ठंडा से काम करा। चलिए बनाते वीडियोस, क्या मस्त मौसम हो रहा है। ये देखिए हमारा सिप्रा मॉल, नाम चेंज हो गया नॉर्थ इंडिया मॉल, और मौसम इतना मस्त है, हवा बहुत ठंडा ठंडा चल रहा है एकदम मस्त। क्या दिन कैसा हवा लग रहा है, एक नंबर ना, कितना अच्छा जगह था, इसको बेकार कर दिया है, इसको पार्किंग बना रहा है लगता है, घेर घर के, कितना अच्छा जगह था, नाश रहा धीरे धीरे सारा चीज। और ये सामने बिल्डिंग देखिए कितना ऊंचा है, बीटीएस है ना, साया बिल्डिंग। क्या मस्त मौसम है, देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, बहुत बताइए लग रहा है इतने दिन जेल से बाहर निकले हैं क्या भाभी, सच्चे बारिश, अरे हाँ बारिश भी आएगा एक दो बूंद, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गीला को तुम क्या कर सकते हैं, बारिश गाइस देखिए बारिश भी आ चुका है और हवा कितनी तेज चल रही है, मस्त लग रहा है मौसम, वाह। हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर और ये देखिए भैया भाभी आदि हम लोग सब लोग अभी यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर, देखते हैं कहाँ कुछ कुछ लेने चलते हैं। अभी गाइस अभी सारी तरफ घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सिप्रा मॉल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ऑर्डर करते हैं और भी कुछ कुछ खाएंगे गाइस हम लोग, भूख भी लग रही है तो सब
सब लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कैसे खड़े हो गए, जाना नहीं जाना ऊपर, चलिए चलिए गाइस चलते हैं। गाइस देखिए अभी हम लोग आए हैं वंडर शेयर के शोरूम में कुछ सामान लेने के लिए। ये देख रहे हैं अभी भैया देख रही है वंडर शेप से, हमने ये लिया है और अब आ गए हैं गाइस डॉक्टर डी आई वाई में, तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी गाइस सिप्रा मॉल से हम लोग निकल गए हैं और डायरेक्ट अभी जा रहे हैं गाइस घर के पास वाले मॉल में, आदित्य मॉल के पास। हम दिखाते हैं, दिखा चुके हैं कि हम लोग कुछ खरीदे हैं गाइस, ये देखिए। बाकी घर चल के आपको दिखाएंगे क्या है ये इसके अंदर, तो चलिए फिलहाल चलते हैं गाइस अभी आदित्य मॉल। अभी हम लोग आ चुके हैं आदित्य मॉल और अभी गाइस बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं मलाई चाप खाने के लिए, जो कि मेरा है फेवरेट और बाकी पूछते हैं इन लोगों का फेवरेट है कि नहीं। ऐसे भाभी का भी फेवरेट ही यहाँ तक आदि से पूछते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग मलाई चाप खाने आए, तो आपका फेवरेट है या नॉर्मल ठीक ठाक लगता है खाने में? अच्छा नहीं लगता खाने में आदि आपको? ठीक है, खराब नहीं। अच्छा नहीं लगता खाने में? हाँ। मेरा तो फेवरेट है, फेवरेट नहीं। भैया का तो हाफ हाफ है, कोई नहीं। तो चलिए गाइस आ चुका है रुमाली रोटी भी अभी आने वाला है, तो हम लोग बस अभी फटाफट खाया जाए इसको। ये देखिए मलाई चाप भाभी लोग खाए, तो चलिए फटाफट खाया जाए। गाइस हम लोग अभी आदित्य मॉल से आ चुके हैं घर और गाइस आज हम लोग बेसिकली बाहर गए थे घूमने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत मस्त हो रहा था। हल्का हल्का बारिश का मौसम था लेकिन हवा बहुत मस्त ठंडा ठंडा चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा घूमने निकल गए और मस्त घूमते घूमते फाइनली आदित्य मॉल आया और वहाँ पर हमने मलाई चाप खाया। गाइस बहुत दिन हुआ, आई थिंक टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया मतलब मलाई चाप खाया हुआ, तो मुझे मतलब मज़ा आ गया आज बिल्कुल। अभी घर आए हैं गाइस, तो चलिए फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और पैर हाथ धो के फिर भाभी लोग के साथ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं। गाइस वहाँ मलाई चाप खाती किसी का पेट भरा नहीं है, तो सब लोग अभी घर आके भाभी को बोले कुछ बनाने के लिए, तो भाभी अभी फटाफट से बना रही हैं सूजी का हलवा सब लोगों के लिए। तो अभी दिखाते हैं गाइस आपको किचन में, देखिए यहाँ पे सूजी भाभी भून रही हैं और भुनने के साथ साथ मुझे काम दे दिया भाभी जी ने कुंदरी कटिंग करने का, और मैं कुंदरी कटिंग कर लूँ कल मॉर्निंग में इसी का भुजिया वजिया बनेगा। और आदि को भी इधर काम मिला हुआ है कपड़े मोड़ने का, तो सब लोग अपने अपने जगह पे बिजी हैं बिल्कुल। भाभी उधर बनाते हैं, इधर साथ में कपड़ा भी फैला रही है बाहर, ये देखते हैं पूरा बिजी चल रहे हैं। क्या भाभी इतना काम कर कहाँ जाएंगे आप? पूरा थका हुआ कब चलिए बन नहीं भुना गया, कम करो ना। चलिए गाइस जब तो भाभी बंद करने के लिए कह रही हैं इसको, तो बंद कर दे रहे, बंद करें ही कम करें। इस कुंदरी भी पूरा कट गया है और उसी के साथ साथ भाभी के हाथों का हलवा भी बन के रेडी हो गया, तो चलिए गाइस फटाफट से भी हलवा खाते हैं और आपको दिखाते भी कि भाभी जो बनाए हैं तगड़ा सा हलवा बिल्कुल, कैसा लग रहा थी खाने में तब पूछते आने से। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल पिस्ता बादाम का लेयर, भाभी देख रहे हो वो जो काटे हैं देख रहे हैं पूरा लग गया है गाइस, देखिए जो सब्जी काट लीजिए ना ठंडा अच्छा नहीं लगेगा, काटा है मैंने सब्जी उसका देख रहा है ये लग गया निशान, देखिए कैसे ये साथ किधर भी लग गए यहाँ पे। हैंड वॉश किए फिर भी नहीं जा रहा है, पता नहीं कितने देर में जाएगा, देखिए अब मैं खा लीजिए भैया इधर काम में बिजी हो गए अभी थोड़ा। वैसे तो बहुत देर से हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, अब मैं सोने जा रहा था लेकिन अभी भैया बोल रहे थे सब पैर दबा देने के लिए, वैसे गाइस भैया बहुत सारा काम करते दिन भर, तो चलिए थोड़ा सा पैर दबा देते हैं भैया का। तो गाइस अभी मस्त भैया का पैर हाथ दबा दिए हैं और गाइस दबाते तो मुझे भी नींद आ गई थी, मैं वहीं सो गया था, तो अभी जस्ट गाइस उठा हूँ, अभी रात के 1 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट अब सोने, रात काफ़ी हो गई गाइस और नींद भी मुझे बहुत तेज़ आ रही है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइज अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।